तक आपको बता दिया कि जो हमारे डेजर्ट है, प्लेटू है, रिवर है, हिल है, और जो इसके बारे में आपको बताया था, और जो समुद्र का जल उसका 35% होता है। 35% का मतलब क्या होता है, 1000 मतलब मिलीग्राम मिलीग्राम में होता है, नहीं, 1 लीटर पानी में कितना लवण है उससे क्या होता है, समुद्र की लवणता नापी जाती है। और वर्ल्ड में क्या है, जो बाल लेक है उसका सल्टी सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे क्या है आपके जो डेड सी है, अगर आपसे कहा जाए कि सबसे कम सैलिनिटी वाला लेक कौन सा है, वो है कैस्पियन सागर। ध्यान दीजिएगा, कैस्पियन सागर क्या है, सबसे कम सैलिनिटी वाला लेक है। अभी इंडिया में भी बताऊंगा, इंडिया का भी नहीं बता रहा हूँ, फिर क्या होता है मिक्स हो जाएगा। इंडिया में भी क्या अलग अलग झील है, उसमें भी सैलिनिटी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा बाल लेक की है और सबसे कम क्या है, कैस्पियन सी की है। ठीक है, कैस्पियन सी का होने कारण क्या होता है कि नदी का पानी ज्यादा होता है। नदी के पानी में क्या होता है, लवणता कम होती है, और जो समुद्र के पानी होता है उसमें लवणता ज्यादा होती है। अब बताइए तो लवणता कहाँ से आती है, यानी सैलिनिटी या साल्ट कहाँ से आता है। मिट्टी में बहुत सारे क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, वो क्या रूप में काम करता है। ठीक है, हम लोग जो नमक का इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उसमें NaCl होता है, सोडियम और क्लोराइड उसमें होता है, तो उसका क्या होता है, इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसमें आयोडीन नहीं होता, इसलिए देखेगा टाटा नमक में क्या होता है, अलग से लिखा रहता है आयोडीन एडेड करके लिखा रहता है। आयोडीन नहीं होगा तो बहुत सारे डिजीज हो सकता है। आजकल देखेगा सी फूड का क्या है, प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद देखिएगा ओमेगा, जो एक तरह के जो फैटी एसिड होता है, उसको उसका प्रचलन बहुत ज्यादा, जो मछली के तेल से बना जाता है, कि ऐसे मछली के तेल होते हैं जो समुद्र जो मछली पाई जाती है उससे बना जाता है। तो उसमें विटामिन B12 से लेके बहुत सारे क्या होता है, किसी का माइक ऑन है, जरा क्वेश्चन पूछना तो पूछिए, नहीं तो माइक थोड़ा सा ऑफ कर रखिएगा। क्वेश्चन पूछिएगा तो माइक खोल के रखिए, नहीं थोड़ा ऑफ रखिएगा, सबको डिस्टर्ब होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे है होता है कि बहुत सारे डिजीज होते हैं। प्लीज अपना इनका भी खुला है, क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो माइक को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा यहाँ पे लवणता की बात है। आप देखिए, ये जो वाटर करंट है, जो अभी आपको बताया था कि वाटर करंट जल में जो करंट होता है, तो वाटर करंट का अभी थोड़ा सा वाटर करंट से पहले दो चीज और बताना है आपको, दो चीज क्या है, एक ज्वालामुखी बताना है और एक थोड़ा सा भूकंप बताना है, उसके बाद आपको वाटर करंट बताते हैं। देखिएगा, जो ज्वालामुखी होता है या भूकंप होता है, वो एक दूसरे से क्या होता है, थोड़ा सा अटैच होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए उसको थोड़ा समझिएगा। देखिएगा, ज्वालामुखी का मतलब, या जो बैलकोनो जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, भूमि के अंदर, या जो हमारे पृथ्वी होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे क्रस्ट होता है उसी में क्या होता है, ये बनते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, जो लेयर्स पाए जाते हैं उसमें वो चलते हैं। तो आप लोगों को उस दिन भी पता रहा था, जो हमारा ये मान लेते कोई ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी देखिए, ये जो पृथ्वी के अंदर जो है इसमें बहुत सारे क्या होता है, गैस होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। सर ये महासागर टॉपिक डाला था ना हमने, तो ये महासागर वाला कंप्लीट हो गया। हाँ, महासागर कंप्लीट हो गया। महासागर में एक चीज और बताना है, वाटर करंट बताना है। ठीक है, महासागर में यही है, आपको एक वाटर करंट बताऊंगा, यानी जल धारा बताऊंगा। पहले इसको जरा हम ये ज्वालामुखी और सर जो ज्वालामुखी टॉपिक डाल ले फिर, हाँ जो मैंने ज्वालामुखी डाल, जी ज्वालामुखी डाल दीजिए, ज्वालामुखी ज्वालामुखी, क्योंकि उसको थोड़ा सा बताओगे, क्योंकि इसको समझेंगे तभी उसको और थोड़ा सा बढ़िया से। ज्वालामुखी या भूकंप, यानी जो आपका बैल्केनो और जो अर्थक्यूब है, ये एक दूसरे से संबंधित है। देखिए क्या होता है कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है,
उसके बाद उसमें बहुत सारे क्या गैसेस होती है, बहुत सारे मेटल्स होती है, और उसमें क्या तो उसमें रिएक्शंस वगैरह होने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या प्रेशर के कारण क्या होता है ये, इसमें से क्या रिएक्शन से उसमें गैस बने लगता है और मेटल पिघल के भी बहुत समय पे वो पिघल जाता है। तो जब ये गैस बनता है तो देखिए गैस क्या होता है, गैस जब बन जाता है तो क्या होता है इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है, और प्रेशर जब बहुत ज्यादा बन जाता है तो क्या होता है इसको कहीं ना कहीं से निकालने की आवश्यकता होती है। तो इसको देखिए इसमें गैस भी होता है, इसमें क्या है मिट्टी के कण भी होता है, जिसे आप कह सकते हैं मिट्टी के कण भी होते हैं, और क्या होता है आपके जो धातु वगैरह होता है या जो मेटल वगैरह होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों हो सकता है, ये सारी चीज इसमें पाए जाते हैं। और क्या होता है प्रेशर कारण क्या होता है यहाँ पे ये पिघले अवस्था या गैसीय अवस्था। देखिएगा आप लोग देखे होंगे जो आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी जो सबके घर में लगभग है, तो देखिए वो क्या नॉर्मल अवस्था में वो फटता क्यों नहीं है, ब्लास्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो होता है वो लिक्विड या द्रव अवस्था में होता है, इसलिए वो फटता नहीं है। जहां तक कब ये एलपीजी फट जाता है, जब क्या होता है ये जो लिक्विड है ना किसी कारण से क्या होता है ये गैस में बदल जाता है, क्योंकि गैस क्या होता है ये ज्यादा फैलता है, और जब फैलेगा तो प्रेशर बनाएगा, इसलिए क्या होता है जब भी किसी भी सिलेंडर को कहीं पे आग लगा हुआ हो या वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए देखिए गर्मी के मौसम में सिलेंडर ज्यादा ब्लास्ट होता है, ठंडे के मौसम में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो गर्मी से कारण क्या प्रेशर या हीट के कारण क्या होता है वो द्रव क्या होता है गैस में कन्वर्ट होने लगता है, और गैस में जैसे कन्वर्ट हो जाता है तो उसका क्या होता है एरिया या वॉल्यूम उसका बनने लगता है, एरिया या वॉल्यूम बनने लगता है, और उसको क्या ब्लास्ट कर देता है। इसलिए क्या होता है ऐसी चीजों को ठंडे जगह पर रखने के लिए बोला जाता है। उसी प्रकार से समझ लीजिएगा, उसी प्रकार से जब हमारे पृथ्वी के अंदर जो गैस या मैटर या ये क्या था इसका प्रेशर बहुत जब बढ़ जाता है तो देखिए इन सभी को मिला के इसको क्या कहते हैं, इसको मैग्मा कहा जाता है, इन सभी को मिला के और भी जो भी चीजें मिला के जो भी इसमें पाया जाता है, तब क्या होता है जब इसमें प्रेशर पाया जाता है तो एक सेंटर होता है जहां से वो निकलने की कोशिश करता है, इसको क्या कहते हैं ज्वालामुखी केंद्र कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं ज्वालामुखी केंद्र कहते हैं। यहां से क्या होता है ये ब्लास्ट होके ऊपर गैस होगा तो प्रेशर होगा तो बहुत ऊंचाई पे क्या होता है ये मिट्टी के कण धातु या गैस क्या बहुत ऊपर पे जाता है, लेकिन ग्रेविटी कारण क्या होता है एक ऊंचाई के बाद क्या होता है फिर ये नीचे आने लगते हैं, ग्रेविटी होगा तो ऊंचाई के कारण क्या होता है नीचे आता है। आप लोगों ने देखा कि पहाड़ों पे आप लोग कभी गाड़ी चलाते हैं ना, जब नीचे आता है ना तो उसमें गाड़ी में क्या ग्रेविटी लगता है, इसलिए गाड़ी बहुत तेजी से नीचे आता है। आप लोग देखिएगा जिस रफ्तार से क्या होता है आप गाड़ी चलाते हैं, अगर ब्रेक लगा देते हैं तो क्या गाड़ी और तेजी से जाता है, तो उसमें क्या ग्रेविटी का भी क्या है बहुत सारे रोड होते हैं, तो जैसे बारिश गिरता है वो भी ग्रेविटी कारण होता है, ग्रेविटी नहीं होता है तो आप जानते हैं कि क्या ऊपर से नीचे कोई चीज गिरता ही नहीं, तो ग्रेविटी क्या होता है उसको ऊपर से क्या होता है नीचे ले आता है, तो लाने कारण क्या होता है ये धीरे धीरे क्या होता है ये पहले ये क्या होता है जब ये पृथ्वी पर आता है तो इसको लावा कहा जाता है, इसको कहते हैं लावा कहते हैं, और ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है आपको बताता हूँ उस दिन में, और ठंडा होकर क्या होता है ये चट्टान के रूप में बन जाता है या रॉक के रूप में ये बन जाता है, ये रॉक के रूप में बन जाता है। तो इसे क्या होता है इसे हम क्या आते हैं वल्कनो कहा जाता है, या आप इसको कह सकते हैं ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है या उसमें से जो पदार्थ या मैग्मा जो बाहर निकलते हैं उसके निकलने की जो कैपेसिटी है या उसके निकलने की जो तीव्रता है उसके आधार पर ज्वालामुखी को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, उसके आधार पर क्या होता है ज्वालामुखी को क्या होता है हम तीन भागों में उसको डिवाइड करते हैं। एक ऐसा ज्वालामुखी जो क्या होता है हमेशा उसमें से क्या होता है मैग्मा बाहर निकलता है, समझिएगा एक ऐसा ज्वालामुखी जहां से लगभग क्या होता है प्रत्येक दिन या हमेशा क्या होता है उसमें से मैग्मा बाहर निकलता है, ऐसे जो ज्वालामुखी होता है उसको एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं देखिए ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, तो पहले प्रकार के जो ज्वालामुखी होता है उसको समझिएगा उसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो कहते हैं।
सक्रिय। सो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, इसमें क्या होता है, लगातार क्या होता है, उद्गार होते, उद्गार मतलब निकालते रहते, इसमें से जो मैग्मा है वो लगातार निकालते रहते हैं। इसमें क्या होता है, लगातार विस्फोट, लिख लीजिएगा, विस्फोट होता रहता है, होता रहता है, इसलिए इसको क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है या एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो माना जाता है, इसको आप लोग उसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए वर्तमान में, इस समय की बात बोल रहा हूँ, दुनिया का जो सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है, जो सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी से कहते हैं, वो क्या होता है, अमेरिका का एक द्वीप है जिसको हवाई द्वीप कहते हैं, वहां पे एक ज्वालामुखी जिसको किलाऊ ज्वालामुखी कहते हैं, तो वो है। देखिए सबसे एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है, किलाऊ ज्वालामुखी, किलाऊ ज्वालामुखी, ये कहाँ पे है, हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में। कभी कभी पूछ सकता है तो ये क्या है, प्रशांत या पैसिफिक ओशन में, महासागर में। और ये किस देश का भाग है, यूएसए का भाग है। तो ये क्या है, किलाऊ सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इसको माना जाता है। इसके बाद जो ज्वालामुखी सक्रिय माना जाता है, उसको कहते हैं कोटोपैक्सी। क्या कहते हैं, कोटो पैक्स। ये जो ज्वालामुखी है ये साउथ अमेरिका में है, इसमें एक देश है इक्वेडोर, यहाँ पे ये ज्वालामुखी कोटो पैक्स ज्वालामुखी से कहते हैं। उसके बाद अर्जेंटीना और चिली के, वहां पे एक ज्वालामुखी है जो बहुत ही ऊंचाई, विश्व का सबसे ऊंचाई पे इससे ज्वालामुखी है, तो कहते हैं ओजल, डेल सालाडो। ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ये चिली और अर्जेंटीना के बीच में, चिली प्लस अर्जेंटीना। और क्या है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, और ये क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। उसके बाद भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको बैरन द्वीप कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी, ये कहाँ पे है, अंडमान में, अंडमान जो द्वीप समूह है उसमें है बैरन। तो ओजल, डेल सलाडो क्या है, अर्जेंटीना और चीना, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है, और ये सबसे ऊंचाई पर है। किलाऊ ज्वालामुखी कहाँ पे है, हवाई द्वीप में है, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, कोटोपेक्सी के डोर में है। ठीक है, दूसरी बात है, और कुछ उसके बारे में जान लीजिएगा जो सक्रिय है, माउंट एटना, माउंट एटना ये आपका सिसिली इटली में है, इटली में। दूसरा स्टी में और एक है स्टाम्बोली, स्टाम्बोली ज्वालामुखी है। देखिए ये भी क्या है, इटली के एक द्वीप है लेपारी द्वीप, लेपारी द्वीप में है, ये भी इटली में। और ये जो इटली में है ना, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो ज्वालामुखी है ये क्या है, बहुत ही तीव्र गति से क्या होता है, यहाँ से लावा वगैरह निकलते रहता है, तो इसको
ध्यान जी का ये क्या है, शक्ति जलम की मेन मेन है। आप लोग एक बात और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई न्यूज में कोई नया ज्वालामुखी आता है तो ध्यान रखिएगा, उसको याद रखिएगा, जो न्यूज पेपर में आता है देखिएगा, हमारे जो प्रशांत महासागर है जिसको पैसिफिक ओशन कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है। पृथ्वी का 60% जो ज्वालामुखी है वो क्या है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसलिए प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागर को क्या कहा जाता है, देखिए प्रशांत महासागर जो है, या जो कह सकते हैं आप पैसिफिक ओशन जो है, यहाँ पर विश्व का प्रशांत महासागर में क्या है, विश्व का 60% ज्वालामुखी पाया जाता है, ज्वालामुखी पाया जाता है, वेलकम पाया। इसलिए प्रशांत महासागर को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अग्नि वलय कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, अग्नि वलय, यानी कि इसको अग्नि वलय कहा जाता है या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होने लगता है, होते रहते हैं, समझ लीजिए। इसको रिंग ऑफ फायर इसको कहा जाता है, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर को कहा जाता है। सिक्स्थ, देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, वहाँ पे किसी भी प्रकार के ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी या बेलकनो नहीं पाया जाता। यहाँ पे किसी प्रकार की ज्वालामुखी नहीं होती है, इसका कारण क्या है पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और हमारे जो साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो इस समय एक ही हुआ करता था। और ये क्या है कि किसी जब ये पृथ्वी जब नया नया बना होगा उसी समय यहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट हो चुका था। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो देखिए चट्टान है ना उसको बेसाल्ट कहा जाता है। बेसाल्ट का मतलब होता है कि पुराना जो लावा होता है उसी को बेसाल्ट कहा जाता है, वो बहुत ही सालों का होता है, बहुत सालों, हजारों करोड़ों सालों का जो पहले का जो लावा होता है उसको बेसल्ट कहते हैं। लेकिन देखिएगा नॉर्थ इंडिया में या बाकी जगह पे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, वैसे रॉक आपको नहीं मिलेगा। साउथ इंडिया का रॉक अलग होता है, नॉर्थ इंडिया का जो रॉक या चट्टान होता है वो अलग होता है। इसलिए देखिए हमारे दक्षिण भारत में देखिए बहुत ही कम भूकंप या इसको रहते हैं, जैसे ये जो आपको पता है ना कि अंडमान निकोबार है, ये जो भाग है ना ये अधिकतर क्या था, म्यांमार वाला भाग है, तो म्यांमार में भी बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, उसी का क्या है। फिर दूसरे टाइप का जो ज्वालामुखी होता है उसको कहते हैं परसुप्त ज्वालामुखी, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हुआ कि ज्वालामुखी तो है लेकिन क्या है, अभी कभी एक्टिव होता है और कभी अनएक्टिव होता है। परसुप्त मतलब क्या है, ऐसा है कि कभी सो जाता है फिर जगता है, कभी सो जाता है, परसुप्त मतलब क्या था, कभी सो जाता है फिर कभी सुस्त लेता है, उसका उद्गार होता है। तो ऐसा ज्वालामुखी क्या है कि अभी भी उद्गार हो रहा है, अभी भी उद्गार या विस्फोट हो रहा है, हो रहा है लेकिन लगातार नहीं, लेकिन क्या है, कंटिन्यू नहीं, लगातार उद्गार नहीं हो रहा है, लगातार कंटिन्यूटी क्या था, इसमें कंटिन्यूटी विस्फोट नहीं हो रहा है, विस्फोट नहीं हो रहा है। मतलब जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है ये ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें उद्गार हो रहा है या उसमें विस्फोट हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है लेकिन लगातार नहीं हो रहा। जैसे मान लेते हैं कि ये अभी हो गया, मान ले आज हुआ, आज से 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल बाद फिर हो रहा है, 20 साल बाद भी पहले हो रहा है, ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, पूरी तरह से उसका डेथ नहीं हुआ, लेकिन क्या है जो एक्टिव बताया था उसमें क्या लगातार हो रहा है और इसमें लगातार नहीं हो रहा है, इसमें क्या है कभी कभी हो रहा है, कभी कभी एक 2 दिन में नहीं हो रहा है, सालों में कभी कभी हो रहा है।
तो इसको जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी कहता है कि अभी भी विस्फोट तो हो रहा है लेकिन ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो ज्वालामुखी होता है उसको क्या है प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें देखिएगा इसका एग्जाम्पल अगर देंगे तो विसुवियस बहुत इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है, यह इटली में, इटली में जो भूमध्य सागर है इसको मेरिडियन सी कहते हैं, उसके किनारे पर बहुत सारे ज्वालामुखी पाया जाता है। उसके बाद क्या है फ्यूजियामा, यह है जापान में। ठीक है, उसके बाद इंडिया में आइएगा एक है नारकोंडम, वो है अंडमान निकोबार। क्या है अंडमान निकोबार में। उसके बाद एक और देख लीजिए वो इंडो इंपॉर्टेंट है, वो है आपके इंडोनेशिया में है, कहते हैं कार का टाओ, का टाओ ये है इंडोनेशिया। अभी देखिए 2 साल पहले इंडोनेशिया में एक इंडोनेशिया जो फिलीपींस है यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, जिसे ताल ज्वालामुखी कहते हैं, करेंट का है नजर ताल ज्वालामुखी है, ये भी क्या इंडोनेशिया में करेंट का है। तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कैसे होते हैं कि इसमें उद्गार या विस्फोट तो होता है लेकिन लगातार नहीं होता, कंटिन्यूटी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी में होता रहता है या अल्टरनेटिव में होने लगते हैं, इसको कहा जाता है। तो ये क्या है क्या है विसुवियस इटली में, फ्यूजियामा जापान में, नारकोंडम और इंडिया वाला तो याद करके रखिएगा, इंडिया में दो ही ज्वालामुखी है, एक आपको पहले बताया बेरंदी और दूसरा नारकोंडम, और ये दोनों अंडमान निकोबार में। तीसरा है आपका जो ज्वालामुखी है उसे कहते हैं शांत ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें अब विस्फोट होने का कोई संभावना नहीं है, ऐसा ज्वालामुखी जो है विस्फोट होने का संभावना समाप्त हो चुका है, विस्फोट समाप्त संभावना समाप्त हो गया। अब आगे कोई विस्फोट इसमें नहीं होगा, ठीक है, आगे कोई इसमें विस्फोट नहीं होगा। इसमें देखिए ईरान में दो ज्वालामुखी जो बहुत फेमस है, एक है कोह सुल्तान और दूसरा है देवबंद। ये कहाँ पे है ईरान में, दूसरा है किलीमंजारो, यह है आपका तंजानिया। आगे है आपका कोपा ज्वालामुखी, म्यांमार में, उसके बाद एकांका गुआ, यह है आपका एंडीज पर्वतमाला में। ये क्या हो गया आपके ज्वालामुखी, इसके एग्जांपल आपको जो मेन मेन है, ऐसे तो बहुत सारा और ज्वालामुखी है जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन पूछने की जरा संभावना है, आप लोग मैप में इसको देख सकते हैं, उसको फिर भी किए करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्या है अर्थ क्यों भूकंप,
भूकंप आने से पहले क्या होता है, उसमें तरंग या वेग उत्पन्न होने लगते हैं, और खासकर क्योंकि भूकंप की एक नेचुरल या प्राकृतिक कारक भी है और एक मानवीय कारक भी है। प्राकृतिक कारक आप लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से भी भूकंप हो सकता है, ग्लेशियर के टूटने से भी हो सकता है, या पर्वतों के भूस्खलन से भी हो सकता है, या जो हमारे जो प्लेट होता है, अब ये बता कि पृथ्वी क्या प्लेटों से मिलकर बने होते हैं, प्लेट के आपस में टकराने से भी हो सकता है, या कहीं कहीं पे बड़े उल्कापिंड गिरा हो उसी कारण भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे नेचुरल कारण है जिससे क्या होता है हमारा भूकंप हो सकता है। लेकिन देखिए आजकल जो भूकंप हो रहा है उसमें बहुत सारे मानवीय गतिविधियां बहुत ज्यादा है। मानवीय गतिविधि कैसे है, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे आप लोग देखिए उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए क्या है रोड बन रहा है, तो उनके लिए पहाड़ों को काटना पड़ता है यानी ब्लास्ट करना पड़ता है। तो ब्लास्ट जब करेंगे तो पहाड़ों का क्या भूस्खलन होगा यानी लैंडस्लाइड होगा, लैंडस्लाइड होगा तो उसमें क्या होगा भूकंप आने की संभावना। उसके बाद देखिए सुरंग बनाए जा रहे हैं, सुरंग बनाने से क्या होता है उसमें विस्फोट किया जा रहा है। देखिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग में रेल लाइन बिछाया जा रहा है तो उसमें 21 किलोमीटर क्या है सुरंग से जाएगा, तो उसमें काटने में क्या होगा विस्फोट तो करना ही पड़ेगा। देखिए आप भी आपने जोशीमठ का घटना देखे होंगे। उसके बाद क्या होता है जो हाइड्रो पावर बनाने के लिए जो डैम बनाया जा रहा है उससे जो जल रुकता, जल जो रुकता है तो उसमें भी वाइब्रेशन होता है, उसके कारण भी क्या है भूकंप हो सकता है। तो बांध भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है कि भूकंप होने का। तीसरा क्या होता है कि वनों का कटाई बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। अब हम देखिए उत्तराखंड में क्या है, हाईकोर्ट ने पूछा है कि जो साल के वृक्ष है वो सरकार ने तो लगाया था, वो वृक्ष है कहाँ। अभी देखिए वन विभाग जवाब नहीं दे पा रहे, आप लोग थोड़ा न्यूज में भी क्या है उसको देखिएगा, तो ये पेड़ गया कहाँ, कहीं किसी ने तो काटा है, चाहे वन विभाग के लोग चोरी छिपे काटे हो या कैसे भी हो। तो ये एक्टिविटी होता है जिससे क्या देखिए पेड़ पौधों काटने से क्या होता है मिट्टी कमजोर हो जाता है और उससे क्या होगा इस तरह से गतिविधि हो सकता है। उसके बाद क्या है कि जो मानवीय पर्यटन जो हो रहा है उससे क्या हो रहा है नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं और उस बिल्डिंग को में क्या होता है वेटेज ज्यादा होने लगे, एक साइड में वेटेज ज्यादा होने लगे हैं और इससे क्या पहाड़ का एक साइड क्या होता है लैंडस्लाइड हो जा रहा है। इसलिए देखिएगा अभी क्या है पहाड़ों में आने वाले दिनों में क्या जो सीढ़ीदार खेत है उसको बंद करने की बात चल रहा है, क्योंकि सीढ़ीदार खेत में क्या था पार्क एक ही ढलान पर अधिकतर खेती की जाती है, उससे क्या था एक साइड क्या होता है वेटेज कम हो जाता है फिर पहाड़ लैंडस्लाइड कर जाता है। इसलिए देखिए आजकल जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि का एक नया पद्धति आया जिसको कंटूर सिस्टम कहते हैं, कंटूर विधि कहा जाता है, उसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे चीज क्या होता है इस्तेमाल करेंगे तब कम हो सकता है। वनों का कटाई बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो इसका क्या है भूकंप आने का क्या है बहुत सारे क्या मानवीय घटनाएं भी है। आजकल मानवीय घटनाएं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो रहा है कि प्राकृतिक से ज्यादा क्या मानवीय घटना भी क्या होता है इसमें जिम्मेदार है। अब देखिए भूकंप जब आते हैं उससे पहले क्या होता है तीन प्रकार के क्या होता है तीन प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं। उसमें क्या होता है प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग और क्या होता है टर्शियरी तरंग। सबसे पहले ये वाला तरंग उत्पन्न होता है और ये तरंग जो होता है जहां से भूकंप निकलने वाला होता है इसको भूकंप केंद्र कहा जाता है, वहां पे ये पहुंचता है भूकंप केंद्र या अर्थक्वेक सेंटर जिसे कहते हैं वहां पे ये पहुंचता है। जब कहीं पे भूकंप होने वाला होता है तो वहां पर उस क्षेत्र में एक गैस होता है जो अक्रिय गैस होता है जिसको नोबल गैसेस कहते हैं, उसका क्या होता है उसका एक्टिवनेस ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोग बताइएगा उस गैस का नाम बताइएगा, एक आप लोग प्रोसेस स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं मैं तो बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से पूछेंगे कि जहां पर भूकंप होने वाला होता है वहां पे एक गैस पहले से क्या होता है रिलीज होता है। इसलिए क्या होता है कि उस गैस की रिलीज होने पर क्या होता है कि वहां पे जो एनिमल्स होते हैं ना वो क्या होता है वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है उस गैस से क्या होता है वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाने उसका मतलब वो खाने लायक नहीं रहता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होता है जब कोई घास को एक बार
जो एनिमल वहां से चढ़ते हैं वहां पे दोबारा वो नहीं चढ़ते, वो नए जगह पे चढ़ते हैं। तो ये मत समझिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी क्या होता है, एक्टिवनेस नहीं होती, उसमें भी एक्टिवनेस होता है। वो अलग बात है कि हम पेड़ पौधे को मांसाहारी नहीं मानते, शाकाहारी मान लेते हैं, लेकिन भाई उसमें भी तो जीवन है, पेड़ पौधे में भी जीवन है। कोई शाक सब्जी या कुछ भी पेड़ से या पौधे से खा रहे तो उसमें भी तो जीवन है, वो भी तो मांसाहारी में आ जाएगा। तो केवल जानवरों को मानना नहीं है कि पेड़ पौधों को मानना भी कोई एक प्रकार के क्या है, एक्टिवनेस है, उसमें भी होता है। आप लोगों ने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने सबसे पहले एक मशीन बनाया था जो टेस्मोग्राफी कहा जाता है। उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि जो हमारा जो पेड़ पौधा है उसमें भी जीवन होता है, उसमें भी महसूस करने के सारे एक्टिविटीज होते हैं, वो भी क्या होता है गति करते हैं, वो भी आपस में क्या होता है वार्तालाप करते हैं। तो ऐसे नहीं कि पेड़ पौधे क्या है वो भाई जीवित है तो उसमें भी एक्टिविटी होते रहता है। तो कैसे यार क्या होता है उस क्षेत्र में, क्या जो जानवर होता है भागे छप जाते हैं, जो कुत्ते होते हैं जिसको डॉग कहते हैं, उसमें क्या होता है जो श्वासन जो सूखने का पावर होता है वो जाता है, सबसे पहले वो बेचैन हो जाता है। हम लोग देखेंगे कहीं पर इस तरह से एक्टिविटी होता है तो कुत्ते क्या होते हैं, देखिए हमारे देश में जो भूकंप है उसमें इसके 4 जोन है, कितने जोन है 4 जोन है भूकंप के। देखिए जोन जो 5 से लेकर 2 तक हमारे देश में काम करता है, हमारे देश में 1 जोन नहीं, यानी 1 उतना कम भूकंप हमारे देश में, तो हमारे देश में जो भूकंप की तीव्रता है वो 1 से ज्यादा होता है। और जो हमारा हिमालय वाला जो क्षेत्र है, उत्तराखंड जो क्षेत्र में आता है, उत्तराखंड याद रखिएगा, हिमालय वाला जोन है ये जोन 5 और 4 में आता है। जो गढ़वाल और पिथौरागढ़ वाला जो साइट है, जो चमोली उत्तरकाशी हो गया, ये है 5 जोन में आता है, बहुत ही सेंसिटिव जोन है, समझिएगा। उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ये जो जोन है ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है। और जो अल्मोरा हो गया, नैनीताल हो गया, ये वाले जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा कम जोन है, इसको जोन 5 में रखा गया है। तो भूकंप के कितने जोन है, भारत में 4 जोन है, ऐसे 5 जोन है लेकिन हमारे देश में 4 जोन है। जो सेंसिटिव जो 5 जोन है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा खतरनाक करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय या नष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए जो भूकंप को जो तीव्रता है उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं उसकी तीव्रता को नापने के लिए, और उसकी ग्राफिंग करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के होते हैं या अर्थक्वेक के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं, कौन सिस्मोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। हमारे देश में साउथ इंडिया में बहुत कम भूकंप होता है, क्यों कम आता है, साउथ इंडिया में बेसल रॉक से बना होता है, पहले ज्वालामुखी का वहां पर भूकंप होता है, दोबारा भूकंप नहीं होता है। नॉर्थ इंडिया में देखिए बहुत ज्यादा, दिल्ली वगैरह में जो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे भूकंप हाल ही में आए हुए हैं, साउथ इंडिया में बहुत कम सुनते हैं। और हमारे यहाँ पे वर्ल्ड की अगर बात देखें तो प्रशांत महासागर के आसपास बहुत ज्यादा भूकंप होता है, क्योंकि यहाँ पे बैल्कनो बहुत ज्यादा है, चट्टाने बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे आपस में टकराते रहते हैं और उसमें बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं। तो प्रशांत पैसिफिक ओशन में क्या होता है सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और इंडिया पे देखा जाए तो हिमालय वाला जो बेल्ट है, हिमालय वाला बेल्ट सबसे ज्यादा होता है, हिमालय वाला बेल्ट और जो गुजरात का जो कच्छ और भुज वाला जो एरिया है वहाँ पे भूकंप आता है। हम लोग 2001 का घटना सुने होंगे, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे भुज में, वो बड़ा भूकंप आया था। और उत्तराखंड में तो आते रहते हैं भूकंप, जानते हैं। देखिए भूकंप को कम करने के लिए अभी देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या है, बहुत सारे क्या है डॉपलर राडार का इस्तेमाल किया, जैसे आपने देखा होगा मसूरी में लगाया है, उत्तराखंड में लगाया है, उत्तराखंड जो बताएंगे तो आपको लगता दूंगा कहाँ कहाँ लगा गया है। उसको डॉपलर रडार से क्या होता है, इसको देखिए देखिए क्या भूकंप क्या होता है, पूरी तरह से पहले हम उसको नहीं जान सकते कि कहाँ कब आने वाला है। तो डॉपलर रडार होता है, डॉपलर ये क्या होता है, भूकंप जो आने से पहले क्या होता है इसमें मेनली क्या होता है, आधे घंटे से 30 मिनट से पहले ही हमें मालूम चलता है। इसलिए भूकंप से क्या होता है हम पहले सावधानी नहीं कर सकते, भूकंप आने से 30 मिनट पहले ही क्या था इसको हम मालूम कर सकते, उससे पहले नहीं कर सकते, अभी तक की बात बोल रहा हूँ। आगे देखिए टेक्नोलॉजी और ज़्यादा विकसित कर ले,
वो अलग बात है, ठीक है। तो धनुष का वो कम कुछ एस्ट्रोलॉजी से होते हैं, और उसको रेखा वगैरह और उसको हिसाब से उसकी ग्राफिंग की जाती है। हिमालय बहुत ही सेंसिटिव जोन है भारत में, और पैसिफिक प्रशांत महासागर विश्व में सबसे बड़ा उसका जोन है, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है भूकंप के लिए, ठीक है। तो आज तक हम यहाँ पे करते, कल आपको वाटर करंट बताएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा, कल आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। वाटर करंट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। क्वेश्चन नहीं है, चलिए देखते हैं हम लोग कल थोड़ा वाटर करंट पढ़ के आइए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं।